सो जी हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और आज है यहाँ पे बोलते हैं बड़ी होली। कल थी छोटी होली। छोटी होली मतलब वहाँ पे रंग नहीं खेलते, पूजा वगैरह होती है, होली का दहन होता है। और ये है बड़ी होली जिसमें रंग वगैरह खेला जाता है। तो सभी को विश यू हैप्पी होली। एंड अभी हम मॉर्निंग में बना रहे हैं बर्गर, तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बर्गर का पूरा पेड़ ये रेडी कर लिया है। आलू उबलने लग रहे हैं और अपने पास ब्रेड भी तैयार है। मम्मी पूजा कर रही है, बाकी लोग पता नहीं इधर उधर है सब लोग कहीं। छोटू भी यहीं पे ही है। तो चलो बनाते हैं बर्गर। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये है हमारा बर्गर। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो हैप्पी होली गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस हैप्पी होली गाइस, आज है होली और आपने पीछे देख ही लिया होगा सुबह सुबह बच्चे होली खेलने के लिए मैदान में आ गए हैं और होली खेलना चालू कर दिया इन लोगों ने। तो गाइस व्लॉग को पूरा देखिए और देखते रहिए कि आज हम क्या करते हैं, क्या न्यू होता है, आज होली के दिन क्या स्पेशल करते हैं गाइस। तो गाइस अभी मॉर्निंग के तो बजे हैं 8 बज चुके हैं मॉर्निंग के और मम्मी लोगों ने सुबह सुबह ही तैयारी करना चालू कर दिया है। कुछ नई नई डिश बना रही है। तो क्या क्या बना रहे हैं मम्मी आज? आप कुछ बना रहे क्या? तो ये काफी कुछ ही बन रहा है। ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं बर्गर। तो गाइस ब्रेकफास्ट के बाद फिर मतलब होली का सामान ऑलरेडी कल बना चुके थे मम्मी लोग। गुजिया वगैरह बनाई थी, फिर गौजा टाइप का होता है उसका बोलते हो, सब कुछ बनाया। और भी बनाएंगे अभी। मीठी सी कुछ लकड़ी सी होती है, पता नहीं क्या मैदा की बनती है, वो सब बना लिया। चलो और यहाँ पे क्या टिक्की? टिक्की है, बर्गर। टिक्की बर्गर के लिए बना रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर अंकल आंटी आएंगे ढार से, तो फिर उसके बाद ही खाना वगैरह बनाएंगे। और क्या से क्या स्पेशल हो रहा है क्या? हाँ मतलब जब पहले ही बना लेंगे। और क्या नया करते हैं आज का, क्या स्पेशल व्लॉग होने वाला है वो व्लॉग में दिखी जाएगा। व्लॉग को पूरा देखते रहिए और मिलते हैं अपने अगले सीन पे। क्या बनाने का तरीका? भर दिया है। ए प्रियांश, तो गाइस मैंने सोचा था कि अब की बार कलर वगैरह नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ फ्रेंड्स लोग आए और कलर लगा के चले गए। तो ठीक है, अब कलर लग ही गया तो अच्छी बात है, बनाते हैं होली थोड़ी बहुत जो भी आता है। इसको देखिए, ये पड़ोस का बच्चा है, इसका हाल देखिए कैसा बना दिया है। हैप्पी होली गाइस। तो कैसा लगा भाई होली खेल के? किसने बनाया तुझे ऐसा भूत? बहुत अच्छा, मेरे दोस्तों ने। यार तू तो रावण सा लग रहा है यार। और ये बब्बू है, तो हैप्पी होली ब्रो। हैप्पी होली। तो कलर लगा दिया, अभी अभी तक खाली बैठे थे, सुख के हैं सुबह से। चलो हैप्पी होली। खुद को ही गोली मार रहा है, खुद को ही टिक 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 टिक।
टिक 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 बाहर चला, ऐसे चला, निकाल ऐसे। ए मेरी। तो अभी बच्चे लोगों की होली चल रही है, काफी मजा आ रहा है फिलहाल। अभी कुछ फ्रेंड्स लोग और भी आने होंगे, ऐसे लगाएंगे। मैं सोच रहा था नहीं खेलेंगे होली, लेकिन फ्रेंड्स लोग आए, कलर लगा। यहाँ बैठे होली नहीं खेल रहे, ऐसे बैठे हो। अच्छा बस हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। हैप्पी होली। पूरा ही रख दिया, अरे आंख में आंख में क्यों ऐसे नहीं मुंह बना दिया, आंख साफ कर दिया। ऐसे ज्यादा खेल रहे क्या फायदा ऐसे करने का। हेलो, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। अब मेरा बेटे ने करा था मैजिक का ले फोटो ले, ये हुई नहीं बात। छोटे यार लाल रंग लगता, लाल पीला है वो रंग, इतने सारे रखे कहाँ जा रहे थे। कितना बढ़िया फोटो आएगा, बहुत बढ़िया फोटो आएगा। फिर ले रहा किसने मिला। अच्छा से डांस करो, अच्छा से। अभी टाइम हो रहा है, एक बज रहा है, एक बजे तक हमने अभी मुंह पे कोई कलर नहीं लगाया था। तो दादी जी आई थी बाहर से, उन्होंने कलर लगा दिया और उसके बाद ही होली खेली। तो मम्मी अभी सुबह से ही खाने में ही लगी हुई है, तो टाइम नहीं मिल पाया होली खेलने का। तो गाइस होली खेलने का कोई प्लान नहीं था, तो प्लान अब भी नहीं है, बस नॉर्मल कलर लगाया और अभी हमारा मूड बन गया पूरा खेलने का। अब जा रहे हैं हम अपने नेबर में यहाँ पड़ोस में और खेलेंगे। भाई देसी पास है, आज अपने मोहल्ले में जा रहे हैं खेलने के, खेलने जा रहे हैं भाई होली। और पूरा हिसाब बन चुका है, रंग मारे पे गुलाल का है। आ जाओ यार, लाल रंग लाना कहीं से, पता नहीं लाल मिली जरा जो है क्या। ऑरेंज कलर है, ऑरेंज भी नहीं है, मतलब क्यों मल्टी कलर। फोटो तो बनने लग रहा। ओके आ जाओ सेल्फी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे सारे। यही बचन लग रही, यही बचन लग रही। देखियो तुम कह रही मैं भी खेल लूंगी। आंख मना पकड़ी है, ओके बरे से पहले तुम लोगों ने कर लिया। कोई बात नहीं, वो मुख धोती कैसे नहीं कर भी था क्या हो गया।
तो हाथ में एक रोटी भी लाई है काला चश्मा पहन के आई है, काला चश्मा पहन के आई है। अगर आप इनको पहचानते हो तो कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ से है। एनी को देख दो, एनी के भी लगाइयो, यो भी ऑन द स्पॉट खड़ी है एनी। ओ गोलू, सनी देवल कैसे बन रहा तू? पानी गिर गया। किसने? भारा। थोड़ा सा धर्मेंद्र का किरदार करके दिखा। कैसे? तो गाइस गोलू और रुक जा, सुन तो लेन दे, पहले मदद तो सुन लेन दो। हाँ सुनाओ, यो मिनट खा के देख लो इसका कैसा हो रहा है। कूल कुक्का बड़ा भी लेते इसका, देख लो कैसा हो रहा है। हमने हाँ बॉडी दिखा खोल क्या वैसे डराया बाल में। अच्छा, वो आज हमने एक आदमी की मदद करी, पता कैसे करी गोलू? पता कौन था वो शख्स? वो शख्स ताऊ था और कोई नहीं। किसका ताऊ? हमें भी पता, हमारे ताऊ लगे। चलो ठीक है, कोई था फिर तो पता। हम आग लग रहे थे यही मगर चला इनके अंटी वंटी का रंग लगा आऊंगे। तो क्या हुआ, तो हमें एक आवाज आई, ओ बेटा मगर यहाँ माँ इसे घर चोड़िया मगर कौन है हो क्योंकि पी रखी ना। बट फिर हमने उस शख्स का चेहरा देखा तो हमें लगे हमारे ताऊ जो साइकिल सुधारे है ना वे लगे मका। ओहो भाई इनका तो दिल का रिश्ता हम छोड़ गए। तो बेर बेर वे हड़पते तड़पते मतलब उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो गोलू ने जाकर उन्हें नुक संभाला। गोलू ने तो शुक्र मनाओ गिरने से, यो नाली में गिरने से बच गया। मैं कहने लगा मका भाई हाथ तो तेरे में ज्यादा पावर आ रही है। तो हमने मदद करी तो पता हमें क्या मिला, घर आ गया जब तनु कह रहा कौन है तुम तो? अपने घर में जाओ। हम कह ले हमने ताऊ भूल भी गए वे कौन है तुम जाओ कुंडी लगा ली वार्ड दे के। हमने चलो कोई बात ना, हम तो जहाँ जा रहे थे हम तो वहाँ। चलो ठीक है, आप नाश्ता कर लो थोड़ा सा। तो हमने साहुल तो कह लगा भाई और क्या हाल है मगर ठीक ठाक है। जब मैं भटके में जाऊंगा तो मैं नहा धोकर ठीक होता है एकदम बेहतरीन। तो आके कह लगा जय भाई निखार पे है लोमटा मगर वो निखार पे न रहेंगे 70 दिन बाद नहाए। तो कह लगा तू क्या देखा मैं काला हो रहा मगर तू तो धूप का पड़ती है क्या? तू तो गहराई धूम में है, तू तो वॉलीबॉल खेलता है धूम में। तो गोलू दिख गया उनका, ओ गोलू भी यही बैठा साइड जी में। तो कह लगा गोलू भाई क्या हाल है मगर ठीक ठाक। और तो आई साउल के मुंह पर एक बात आई जबान से निकली कि गोलू तेरी तो आखिरी होली है भाई। तो गोलू कह लगा तू भाई आखिरी होली कहते हैं उनका, तेरा तो रंग ढंग अभी रंग छोड़ उनका, तेरा शरीर तो अभी रंग छोड़ गया। मैं कह लगा मगर वो कौन सा रंग चमक गया तुझे उनका लीला हो रहा तारा मगर अच्छा मगर नुम हाँ। आज नहीं मिला क्या गोलू? बस दीदी नूर देख लो आज इनने एक राजू अंकल से एक वादा किया कि राजू अंकल सारे दिन पीऊंगा पर एक किसी दिन नहीं पीऊंगा। बताओ सारे दिन जेल जगह के हो, जेल जगह के हो। अच्छा जेल जाता है गोलू? गोलू दिवाली का ऐसा धरती बम फोड़ रहा था, गाली दे दे का फोड़ रहा था। लगा लगा के बहुत तगड़ी गाली थी डैन को। घूमते मारे लगता ना और फाड़ दिए ये फाड़े कपड़ा फाड़ना वाला ये सब बेकार है। अंकल जो है ना कि मोटी बुद्धि हो रही है ना कि हाँ हाँ क्या नाली में भी तो फेंक रहे हैं, नाली में ना फेंक रहे हैं बढ़िया लग रही है। और जब से इन्होंने सारी कचरी खा जा देख लो भाई सारी कचरी खा गया वक्त तो में और शरीर दे दो इसका ये खड़े
जब भी तो मोटा भैंस हो रहा खा के यो पेट भी बाहर आ रहा आ रहा है वो भी पूरा आ रहा है वो भी। सो जी अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और यहाँ पे कुछ पब्लिक आई हुई है। हेलो, ये है पीयूष, ये है पुनीत। हाय तो कर दे यार, एक अद्धी लड़की देख रही होगी तो हाय हेलो बोल देगी वो है। ये मिस बोगेम्बो, मिसेस बोगेम्बो, बोगेम्बो की बेटी। अच्छा बाबू तू भी तो खा। अरे इनमें भी आंटी ने आलू भर दिए क्या? हाँ ये आलू की भर के बना रहे हैं। तुम खाओ, खा लेते लोग जिन्ना का तब तो भाई थी जब इसने टोल लगा दे पंचर आप तो भाई थी। या एक गरीब इंसान सबसे पैसे मांगता हुआ इसका फोन फूट चुका है और जो कि 800-900 रुपए में ठीक होगा तो उसके लिए सबसे 100-100 रुपए भीख मांग रहा है। ठीक है भाई चल ठीक है अच्छी ठीक है मैंने 100 रुपए की हाँ भर ली वो भी से भरवा मैंने तो भर ली। हाँ ठीक है मैं भी 100 रुपए दे दूंगी तुझे। मैंने तो भर ली 300 रुपए हो गए 300 रुपए हो गए इतनी जल्दी कहाँ पहुंच गया होगा। शुक्रिया। कौन सी दीदी थी वो सारी? अंजलि दीदी। बस वही सब कह रही थी, याद आ रही। और कमल बता। तो जी टाइम हो रहा है, अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, 6:07 हो रही है और हम जा रहे हैं अभी तीनों मेरे वाले घर पे अपने, और मम्मी पापा लोग आएंगे रात को और छोटू भी रात को आएगा। अभी हम तीनों निकल चुके हैं गांव वाले घर से, जितना चला ले गाड़ी। ठीक है जी मिलते हैं आपको अपने उस वाले घर पे। ये बहुत अच्छा जी पहुंच चुके हैं हम इस वाले घर में। किस वाले घर में? मेरठ वाले घर में। और अभी हम लोग जा रहे हैं, भैया रहते हैं यहाँ पे, निखिल भैया, उनके घर पे। क्या मेरे बाल गिल्ले हैं शायद, मतलब ताले वाले फिर से लगा दिए हैं। आ गए थे, अब हम जा रहे हैं। 45 मिनट हो गए हमें यहाँ आए हुए। ठीक है चलो चलते हैं। भैया जिम पूरा करते हैं। आप भी उसी पार्टी में गए थे क्या?
सो जी गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी हम लोग आए हैं निखिल भैया के यहाँ से, और आते ही बस अभी मतलब दिन में हमने खाना वाना खा लिया था, अभी कोई खाना नहीं खा रहे हैं, और भैया के यहाँ से भी चाय वगैरह और काफ़ी स्नैक्स वगैरह खा लिए थे तो पेट भर गया। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। चांद अगेन गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। अभी हमारे थे मेरठ वाले घर में, और क्योंकि घर तो दोनों का अलग अलग है गांव में, तो अलग अलग ही रहना पड़ता है, इसलिए ब्लॉग में भी, और मुझे आदत नहीं है ना कैमरा पकड़ के ब्लॉग शूट करने की, तो दिक्कत ये हो जाती है, इसलिए मैं कर नहीं पाता, मतलब अच्छा ही नहीं लगता, मतलब आदत ही नहीं है मोबाइल ऐसे यूज करने की मुझे। सो दैट्स व्हाई कि मेरी फैमिली मतलब मेरे घर का जो शूट है वो नहीं आ पा रहा है। मंदिर वाला शायद आया था लास्ट वीडियो में, आपको ट्रिप की वैष्णो देवी जा रहे हैं, और पूरी ट्रिप की हम बता देंगे वीडियो वगैरह, और जो भी सारी चीजें हैं आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है जी, आज होली भी खत्म हो चुकी है, अगेन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड कल से फिर वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।